नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल फर्नीचर गुरु जोरा। मैं हूँ जोरा राम, फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टर। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। बाथरूम दरवाजे के अंदर राउंड लॉक की बहुत बड़ी समस्या को हल करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये आप देख रहे हैं, बाथरूम के दरवाजे के अंदर राउंड लॉक लगा हुआ है पहले से। अब इस लॉक को मैं निकाल के यहाँ पे दूसरा लॉक इंस्टॉल करूँगा। और दूसरा लॉक क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम न्यू लॉक है, फिर भी मैं इसको चेंज करूँगा। और वो जो समस्या है बहुत बड़ी, वो समस्या इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो अब मैं इसको पिन से पुश करके इस लॉक को मैं निकालूंगा। इस लॉक को निकालने के बाद में अभी मैंने दूसरे वाले नए लॉक का सिलेंडर फिटिंग कर दिया है। सिलेंडर फिटिंग करने के बाद में आप ये नया वाला लॉक देख रहे हो, इस तरह का ये लुक दिख रहा है इस लॉक का। अब इस लॉक का जो हैंडल है पीछे का, वो मैं इस पिन से पुश करके उस पीछे का हैंडल के पास में एक छोटा सा होल है, उस होल में पिन से पुश करके इस हैंडल को ओपन कर रहा हूँ। इस तरह ये देख रहे हो आप, इस तरह खींच के इसको ओपन कर रहा हूँ। अब इसकी रिंग भी निकालूंगा, इसका कवर भी बाहर निकालूंगा। इसका कवर और रिंग बाहर निकालने के बाद में मैं इसको इस होल के अंदर डालूंगा और सिलेंडर के क्लैंप के साथ में मैं इसको बराबर अटैच करके अंदर फिटिंग करूँगा। इस तरह ये देख रहे हो आप, अब मैं इसको अंदर से रिंग फिटिंग करके उस रिंग का दो स्क्रू लगाऊंगा। अब मैं ऊपर वाला स्क्रू टाइट कर रहा हूँ इस रिंग का। अब मैं नीचे वाला स्क्रू टाइट कर रहा हूँ इस रिंग का। अब मैं ऊपर वाला स्क्रू को और टाइट करूँगा, क्योंकि वो मैंने पहले पूरा टाइट नहीं किया है इसके लिए। अब मैं ऊपर वाले को एक बार ट्राई करके पूरा टाइट कर दूंगा। तो अब मैं इस रिंग के ऊपर कवर फिटिंग करूंगा। ये देख रहे हो आप कवर, इस कवर के एक साइड में कट लगा हुआ, वो कट मैं पीछे की तरफ रख के इस कवर को फिटिंग करूंगा इस तरह। ये देख रहे हो आप मैं किस तरह फिटिंग कर रहा हूँ। अब मैं इसको पुश करूँगा इस तरह पुश करके इसको बराबर फिटिंग कर दूँगा। अब मैं आपको मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताना था मुझे, वो मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ये जो इसका पीछे का जो बटन देख रहे हो, ये बटन इसका चारों तरफ घूम रहा है। अब जो वो पहले वाला लॉक था कस्टमर का, उसका इस तरह का जो नॉब है वो चारों तरफ नहीं घूम रहा था। वो भी मैं अभी दिखाऊंगा कि वो कैसा था और ये कैसा है। ये जो बटन है ये चारों तरफ घूम रहा है, तो वो बटन है वो चारों तरफ नहीं घूमता था, इसके लिए हमने ये लॉक चेंज किया। ये आप देख रहे हो ओल्ड वाला लॉक है। तो इस कंपनी के अंदर दो मॉडल आते हैं, सेम ही कंपनी है, गोदरेज कंपनी है। इसके अंदर ये पहले वाला जो लॉक है, ये देख रहे हो आप, ये चारों तरफ नहीं घूम रहा है। इसको पुश करके हम राइट साइड में करने के बाद में ये दरवाज़ा है तो बाहर से ओपन नहीं होगा, हैंडल बिल्कुल काम नहीं करेगा। खाली पुश करते हैं तो बाहर का हैंडल काम नहीं करता, लेकिन बाहर से हम लोग स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर सकते थे। लेकिन इसको पुश करके फिर हमने राइट साइड में इस तरह घुमा दिया तो ये बाहर से स्क्रू ड्राइवर से भी नहीं खुलता है। बाई चांस ये सब पुश होके रह गया और हमने दरवाज़ा क्लोज कर दिया तो फिर बाद में बाहर से लॉक ओपन नहीं होता है। तो मैंने इस तरह का कम से कम 50 से 60 लॉक चेंज किए हैं। तो दोनों लॉक बॉडी दिखाने के लिए मैंने पहले इसका हैंडल पीछे का फिटिंग नहीं किया था। तो अब देख रहे हो आप, इस होल के डायरेक्शन में आपको ये जो हैंडल का कट दिख रहा है, इस कट को इसके डायरेक्शन में रख के इसको थोड़ा हैंडल को वाइब्रेट करके मैं अंदर इसको पुश करूँगा। पुश करने के बाद में ये जो हैंडल है वो अंदर फिटिंग हो जाएगा, ये देख रहे हो आप। अब मैं इसको वाइब्रेट करूंगा इस पोजीशन, इस डायरेक्शन में रख के मैं, ये देख रहे हो आप, ये लॉक मेरा बराबर हो गया है, ये हैंडल लग के फिटिंग हो गया। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, इस तरह बराबर काम कर रहा है मेरा लॉक। अब बाहर से ओपन नहीं हो रहा, अब इसको अंदर से ओपन करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो अब ये
मेरा बाहर से भी हैंडल काम करने लग गया ओपन क्लोज करने के लिए, ये देख रहे हो आप। तो इस लॉक में इस तरह की कोई समस्या नहीं आती है, इसमें दो मॉडल आते हैं। अगर आपको चाहिए वो मॉडल, आपको लगाना चाहते हैं वो मॉडल, आप लगा सकते हैं। कि इसमें फर्स्ट वाला मॉडल का ये मतलब है कि आप अंदर से उस बटन को पुश करके अगर राइट साइड में घुमा देते हो तो कोई दरवाज़ा बाहर से ओपन ना करें। लेकिन मेरे कस्टमर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मेरे कस्टमर इस लॉक के मॉडल को चेंज करवा। अगर आप उस बटन को राइट साइड में करते हो या अचानक अगर हो जाता है, तो आप बाथरूम के बाहर निकलते वक्त उस पुश बटन का डायरेक्शन लेफ्ट साइड के अंदर रख के, अन्यथा दरवाज़ा लॉक होने के बाद में बाहर से किसी तरह ओपन नहीं होगा, ना स्क्रू ड्राइवर से ओपन होगा, ना हैंडल से ओपन होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।